सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है शिवांकर, आप देख रहे हैं शिवा हिंदी टेक। और आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ एक जो अपकमिंग फ़ोन है। जैसा कि आपको पता होगा कि ओरियो के अपडेट के साथ एक फीचर बजट फ़ोन आने वाला था जो माइक्रोमैक्स लेके आने वाला था। माइक्रोमैक्स और गूगल दोनों ही साथ मिलकर लेके आने वाले थे, लेकिन फिलहाल वो नहीं आ रहा है। वो आने वाला था 26 जनवरी को, तो उसकी जगह में अब दूसरा फ़ोन आने वाला है। तो वो तो ऑलमोस्ट कंफर्म है जो आने वाला है, तो देखते हैं वो कब तक आएगा। उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, उसकी प्राइस बताऊंगा और कब तक वो आ सकता है वो भी बताऊंगा। तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो उसके बगल में घंटी वाला बटन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, माइक्रोमैक्स प्लस गूगल अपना एक फ़ोन लेके आने वाले थे जिसमें आपको मिलने वाला था बजट ओरिएंटेड फ़ोन, यानी कि बजट सेगमेंट से भी नीचे का फ़ोन मिलने वाला था। अंडर 2000 के करीब करीब की बात हो रही थी। तो उसमें क्या आने वाला था, उसमें आपको एक स्मार्टफोन मिलने वाला था जिसमें आपको मिलता ओरियो का अपडेटेड वर्जन, यानी कि ओरियो का गो एडिशन आपको देखने को मिल जाता था। मतलब जो ओरियो है उसको पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज करके आपको दिया जाएगा, जिससे आपके जो कम रैम में भी वो प्रॉपरली वर्क कर सके। तो बेसिकली अभी फिलहाल तो वो माइक्रोमैक्स ने आइडिया ड्रॉप कर दिया है, या क्या हुआ है या अभी तक जो उसका चिपसेट है वो फिक्स नहीं हो पाया है। जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन के बीच में जो प्रॉब्लम है, यानी कि क्वालकॉम के बीच में जो भी बात चल रही है, अभी शायद उनका जो एग्जैक्ट प्रोसेसर है जो बनाना चाह रहे वो नहीं बन पाया। तो अभी इस टाइम पे नोकिया वन है जो 110% उम्मीदें यही लगाई जा रही है कि वही होगा फर्स्ट फोन जो ओरियो के गो एडिशन के साथ आने वाला है। तो मैं आपको उसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ पहले कुछ। तो सबसे पहले मैं अगर उसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले आपको मिलने वाली है 5.2 इंच की, आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिल सकती है जो होगी फुल HD डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ तो इसमें आती है रैम। रैम आपको पता ही है, इसके बता दिया जा चुका है कि ये ऑप्टिमाइज करके करा जाएगा। तो इसकी जो रैम होने वाली है वो होने वाली है 1 GB की। मेंटल स्टोरेज की बात करूँ वो मिलेगी 8 GB, और जो मैं कार्ड स्लॉट की बात करूँ सपोर्ट आपको मिल जाएगा 128 GB तक आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ की चले तो इसमें जो प्रोसेसर मिलने वाला है वो होगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 212 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। और कैमरे की बात करूँ तो कैमरे इसमें आपको 5 MP का बैक मिलेगा और 5 MP का आपको फ्रंट भी देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ अभी तक बताई गई है, जो र्यूमर आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो सकती हैं। और अगर बैटरी की बात करो तो बैटरी आपको मिलने वाली है 3000 mAh की। और ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में, तो ये आपको मिलेगा ओरियो का गो एडिशन जिसमें आपको जितने भी गूगल के एप्लीकेशन है सब वो आपको ऑप्टिमाइज्ड मिल जाएंगे। जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा का पूरा ऑप्टिमाइज मिल जाएगा, तो उसमें आपको लैग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जैसे कि आपको मिल जाएगा गूगल असिस्टेंट गो, जैसे कि आपको मिल जाएगा गूगल मैप्स गो और YouTube गो, Gmail गो, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो भी आपके फ़ोन्स हैं उनमें जो चलता है तो बेसिकली वो आपके जो फ़ोन की रैम है उनको ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो आपको बहुत कम रैम में ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोसेस देने के लिए वो उन्होंने एक लाइट वर्जन को लॉन्च किया है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो ये चीज़ उसमें होने वाली है। नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ, ये लॉन्च कब तक हो रहा है, तो अब आप वही सोच रहे होंगे लॉन्च हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग र्यूमर है, उसके अकॉर्डिंग नोकिया इसे लॉन्च कर सकता है अपने MWC 2018 में, यानी कि फरवरी मार्च में ये लॉन्च हो सकता है। उसकी भी कन्फर्मेशन डेट कुछ आया नहीं है, बट ये है कि फरवरी या मार्च में आपको ये फ़ोन देखने को मिल सकता है, फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक में आपको ये फ़ोन देखने को मिल सकता है। और अगर नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ तो इसकी प्राइसेस क्या हो सकती है, प्राइस इसकी रखी जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 5000 से 6000 के बीच में इसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में, आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आप अपने ओपिनियन मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो करता हूं दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।